इशू में आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप में ये कई सारे जो पीडीएफ फाइल आता है, तो इस पीडीएफ फाइल का आपको कंप्यूटर से प्रिंटआउट कैसे कर सकते हो। तो आपको पीसी में व्हाट्सएप को कैसे चलाना है और व्हाट्सएप में जो पीडीएफ फाइल आया है तो इस पीडीएफ फाइल का आपको कैसे प्रिंटआउट करना है, तो जितना जो प्रोसेस है तो सभी प्रोसेस आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आप हमारे इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस हमारा जो पीसी है तो पीसी में हमें जो व्हाट्सएप को कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप में कई सारे जो पीडीएफ फाइल आता है तो इस पीडीएफ फाइल का हमें प्रिंट आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले सर्च में टाइप करना है व्हाट्सएप वेब। तो चलिए मैंने व्हाट्सएप वेब को सर्च कर दिया है और आपको फर्स्ट में क्लिक करना है, जो फर्स्ट में जो साइट है व्हाट्सएप वेब, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो अभी देख लीजिए कि हमारा पीसी में व्हाट्सएप मैंने ओपन कर दिया है और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करना है, क्योंकि मैं मोबाइल से पीसी में व्हाट्सएप को स्कैन करके उसमें कनेक्ट कर देना है। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि साइड में मैंने मोबाइल को ओपन कर दिया है और ओपन करने के बाद आपको व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको लिंक डिवाइस पे क्लिक कर देना है और लिंक डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपका जो पीसी में जो स्कैन कोड है वही आपको मोबाइल से स्कैन कर देना है। तो चलिए मैं मोबाइल से स्कैन कर देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा सही से जो मोबाइल है वही हमारा पीसी से सही से कनेक्ट हो गया है और कनेक्ट होने के बाद हमारा जो मोबाइल में व्हाट्सएप है वही हमारा पीसी में कनेक्ट हो रहा है। तो आपको पीसी में सबसे पहले व्हाट्सएप को आपको इस तरह स्कैन कर देना है और स्कैन करने के बाद हमारा व्हाट्सएप में कई सारे जो पीडीएफ फाइल आता है तो इस पीडीएफ फाइल का आपको किसी भी प्रिंट आउट करना है तो वही आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो चल मैं प्रिंट आउट करके आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पीसी में व्हाट्सएप ओपन हो रहा है। तो गाइस आपको वेट करना है क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है ओपन होने में। तो हमारा जो व्हाट्सएप है सही से हमारा पीसी में ओपन हो गया है और ओपन होने के बाद आपको जिस बंदे ने आपको पीडीएफ फाइल को सेंड किया है वही आपको ओपन कर देना है। तो चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद आपको जिस पीडीएफ फाइल होता है, किसी भी एमएस वर्ड का फाइल होता है, वही आपको ओपन कर देना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पास जो पीडीएफ फाइल है व्हाट्सएप में वही मैंने ओपन कर दिया है और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले पीडीएफ फाइल है वही आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम पीडीएफ फाइल को सबसे पहले डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट करना है तो वही आपको आसान तरीके प्रिंट आउट कर सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले पीडीएफ फाइल है वही आपको किसी भी फाइल होता है वही आपको सबसे पहले व्हाट्सएप से आपको कंप्यूटर में डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। तो इस हमारा जो पीडीएफ फाइल है तो उसको मैं सबसे पहले डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा पीसी में सही से पीडीएफ फाइल हमने डाउनलोड कर दिया है व्हाट्सएप से और डाउनलोड होने के बाद आपको शो इन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने शो इन फोल्डर पे क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ फाइल है वही आपको ओपन कर देना है। तो चलिए मैं कंप्यूटर में व्हाट्सएप से हमने पीडीएफ फाइल को डाउनलोड किया है वही पीडीएफ फाइल को मैं ओपन कर देता हूँ। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि मैंने पीडीएफ फाइल को ओपन कर दिया है तो इस पीडीएफ फाइल है वही मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड किया है और उसको मैं प्रिंट आउट करना है। तो चलो मैं सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हमने जो भी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड किया है उसका हमें प्रिंट आउट करना है। तो आपका व्हाट्सएप में कई सारे जो फाइल होता है, डॉक्यूमेंट फाइल होता है, एमएस वर्ड का फाइल होता है, एक्सेल का होता है, जो पावर पॉइंट का फाइल होता है, किसी भी फाइल का प्रिंट आउट करना है तो वही आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो इस हमारा जो पीडीएफ फाइल हमने डाउनलोड कर दिया है व्हाट्सएप से तो उसको हमें प्रिंट आउट करना है। तो प्रिंट आउट करने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड में कंट्रोल पी को प्रेस कर सकते हो और आपको फाइल में जाके प्रिंट आउट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको लाइव प्रूफ करके प्रिंट आउट करके बताने वाला हूँ कि आपने किसी भी व्हाट्सएप से फाइल को डाउनलोड किया है तो उसका आपको प्रिंट आउट कैसे करना है। तो चलो मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस अभी देख लीजिए कि मैंने प्रिंट पे क्लिक कर दिया है लेकिन हमारा जो पीसी में स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन है वही हमारा स्क्रीन ऑन है तो इस वजह से आपको पता नहीं चलेगा। तो चलो मैं कैमरा में रिकॉर्ड करके लाइव प्रूफ करके प्रिंट आउट करके बता देता हूँ। तो गाइस अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पीडीएफ फाइल है वही हमने जो व्हाट्सएप से डाउनलोड किया है। तो आपको इस तरह किसी भी प्रिंट आउट करना है तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल पी को प्रेस कर सकते हो और आपको फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट कर सकते हो। तो चलो मैं ओके पे क्लिक करके प्रिंटर में आपको प्रिंट आउट करके
बताने वाला हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले व्हाट्सएप से आपने किसी भी पीडीएफ फाइल ले वही आपको सबसे पहले डाउनलोड कर देना है। तो मैंने डाउनलोड कर दिया है और मैंने प्रिंटआउट का ऑप्शन भी ऑन कर दिया है। तो चलो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑफ करता हूँ और कैमरा का जो रिकॉर्ड है वही मैंने ऑन कर दिया है। तो गाइस अभी देख लीजिए कि मैंने पीडीएफ फाइल को जो ओपन किया है वही मैंने आपको लाइव प्रूफ करके बता रहा हूँ। तो आपको इस तरह जो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा साइड में प्रिंटर है और इस हमारा जो कंप्यूटर है, व्हाट्सएप से हमने जो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड किया है। तो चलो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि हमारा साइड में जो प्रिंटर है तो प्रिंटर से हमारा प्रिंट हो रहा है। जो भी हमने व्हाट्सएप से डाउनलोड किया है फाइल उसका हमारा प्रिंट हो गया है। तो गाइस अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस हमारा जो पैराग्राफ था तो वह हमने सही से डाउनलोड कर दिया है और मैंने सही से प्रिंट आउट पे कर दिया है। तो आप पीसी की स्क्रीन पे देख लीजिए और आपका पेज की स्क्रीन पे देख लीजिए कि दोनों पेज एक ही है जो मैंने प्रिंट आउट करके आपको लाइव प्रूफ करके बता दिया है। तो गाइस आपको किसी भी जो व्हाट्सएप में फाइल आता है, पीडीएफ फाइल होता है, किसी भी फाइल होता है, तो इस फाइल का आपको कंप्यूटर से प्रिंट आउट करना है तो इसी तरह आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।